हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ फाउंड ऑफ। तो फ्रेंड्स, हम फाउंड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने का शौकीन होता है, यानी कोई भी काम को करना बहुत पसंद करता है, तो वहाँ पर हम फाउंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा। राम चाय बनाने का शौकीन है, सीता तैरने की शौकीन है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाने का शौकीन हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है टू बी वर्ब इज आर एम। यदि सेंटेंस पास्ट का रहेगा तो आप प्रयोग करेंगे वाज बेयर प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वी फोर प्लस अदर वर्ड्स। आई रहेगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और वी यू दे और फुलर नेम रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नेम रहता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पास्ट में जब हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा, आई ही सी इट नेम रहेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट यू दे वी और फुलर नेम रहेगा तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राम चाय बनाने का शौकीन है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे राम इज फाउंड ऑफ मेकिंग टी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, गीता खाना बनाने की शौकीन है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे गीता इज फाउंड ऑफ कुकिंग फूड। मोहन चाय पीने का शौकीन है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे लिखेंगे मोहन इज फाउंड ऑफ टेकिंग टी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे सोनू रील्स बनाने का शौकीन है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद आप लिखेंगे सोनू इज फाउंड ऑफ मेकिंग रील्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करने का शौकीन हूँ। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे आई एम फाउंड ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज डेली। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम गीत सुनने का शौकीन हो। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे यू आर फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। तुम गीत गाने का शौकीन हो। तो फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसा मनोज बच्चों को पढ़ाने का शौकीन है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे मोहन इज फाउंड ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रेन। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ पास्ट का सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद आप लिखेंगे आई वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। गीता चाय बनाने की शौकीन थी। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा गीता वॉज फाउंड ऑफ मेकिंग टी। मोहन तैरने का शौकीन था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मोहन वॉज फाउंड ऑफ स्विमिंग। सीता कपड़े सिलने की शौकीन थी। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सीता वॉज फाउंड ऑफ स्टिचिंग क्लॉथ्स। मोहन गीत गाने का शौकीन था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मोहन वॉज फाउंड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार फाउंड ऑफ के प्रयोग से बहुत सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चाहने वाले को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।